किरल पाणे स्टोर में अब लेकर आएगा शिवा और रावी एक नया तूफान। देखने को मिलने वाला है कि अब शिवा ने रावी ने शिवा को मनाने के लिए एक अनूठा ही तरीका निकाला है, वो भी उसे पढ़ाई के लिए मनाने के लिए। और वो यहाँ पर नाटक करते नजर आएगी कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स ही शिवा के जला दिए हैं क्योंकि अब उसे पढ़ना तो है नहीं। और शिवा बुरी तरह से परेशान हो जाता है और कहता है कि ये क्यों तुम जला क्यों रही हो ये पेपर्स, और वो जल्दी से जल्दी उन्हें बुझाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर रावी फिर से उसके ओरिजिनल पेपर्स जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो निकाल कर देती है, सारे सर्टिफिकेट्स निकाल के देती है कि यही तो जब तुम उस उम्र में पढ़ाई लेने का इतना बड़ा पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर सकते हो तो अब पढ़ाई करने का फैसला क्यों नहीं ले सकते। और शिवा रावी की बात मान जाता है और फैसला करता है कि वो वापस से पढ़ाई करेगा। तो देखने को मिलेगा कि एक वक्त किस तरह से गुजर जाएगा। और यहाँ पर एनिवर्सरी के बाद में यहाँ पर एक तरफ शिवा और रावी पढ़ाई की धुन में लग जाएंगे तो दूसरी तरफ ऋषिता पांडे परिवार को नीचा दिखाने के लिए उनके सामने सुपरमार्केट खोलने वाली होगी जनार्दन के दम पर, और देव भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब शिवा लेकर आएगा एक नया तूफान। यहाँ पर शिवा को पढ़ाई के दम पर अब डिस्टेंस एजुकेशन में ही मिलने वाला है एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा सपोर्टर, एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि उसके सारे सपनों को पूरा करते नजर आएगा। देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर शिवा अब इतनी बड़ी प्लानिंग कर चुका होता है बचपन में ही, जिसको अब वो मुकाम देते नजर आएगा। और देखने को मिलेगा कि उसका प्रोजेक्ट इतना शानदार होगा कि वहां पर सभी लोग इम्प्रेस हो जाने वाले हैं और उसे अब भाई उसकी काबिलियत के दम पर ही एक इन्वेस्टर ऐसा मिलेगा जो कि उसकी सपनों को साकार करने के लिए उसे पैसा देते नजर आएगा। तो देखने को मिलने वाला है कि शिवा को एक बहुत ही जल्द एक ऐसा इन्वेस्टर मिलेगा जो कि उसकी पूरे उसमें जो है ब्रांचेस शुरू करने के लिए, यानी पांडे स्टोर की ब्रांचेस शुरू करने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट भी देगा। और साथ में ही यहाँ पर शिवा एक ही शर्त रखता है कि ये स्टोर के नाम जो है वो पांड्या के नाम पे होना चाहिए, यानी पांडे स्टोर की ही ब्रांचेस के नाम पे होना चाहिए। उसके लिए ही वो उस शर्त को मानने को तैयार हो जाता है और इन्वेस्टर उसकी बात को मानने को तैयार हो जाता है। और 6 महीने बाद एक के बाद एक स्टोर खुलते नजर आएंगे। और देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर ऋषिता के होश उड़ जाने वाले हैं और जनार्दन के भी होश उड़ जाएंगे कि किस तरह से शिवा ने तरक्की कर ली है। अब देखते हैं कि शिवा को तो भाई अब जेंटलमैन बनाने का फैसला तो रावी ने कर ही लिया है और ये सपना 6 महीने बाद ही साकार होते नजर आएगा। एक तरफ जहाँ पर ऋषिता की डिलीवरी होगी, दूसरी तरफ एक के बाद एक स्टोर ओपन करने का बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर में एक ऐड आएगा जो कि उड़ा देगा सबके होश। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस ट्रेक को देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।